नालागढ़ में पर्यावरण संरक्षण हिम परिवेश संस्था ने आज एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य डीएसपी विजिलेंस के तबादले को लेकर कड़ा विरोध जाहिर किया है। संस्था ने आरोप लगाया कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों ने साजिश के तहत डीएसपी का तबादला करवाया है। अगर सरकार की ओर से तबादला रोका नहीं गया तो संस्था धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। संस्था के पदाधिकारियों ने सीएम और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भेजकर तबादला रद्द करने की मांग उठाई है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। आज जो हमने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो भी कोई अच्छा ऑफिसर काम करने के लिए करता है उसको बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि हमारे डीएसपी विजिलेंस बड्डी, उनको अभी 2 साल भी नहीं हुए यहाँ आए हुए, और उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत अच्छे काम किए हैं जिसका ब्यौरा हम अलग से दे रहे हैं, है जी। इसलिए मतलब जो है हम पुरजोर ये कहते हैं सरकार से कि ऐसे आदमी को की ट्रांसफ़र जो है वो इमीडिएटली कैंसिल की जाए, ताकि पब्लिक में जो विश्वास जागा है वो कायम रहे। हमें प्रधान जी ने अवगत करवाया कि डीएसपी साहब को हमने एक कंप्लेंट दी थी अवैध माइनिंग के रिलेटेड, उन्होंने बड़ी निष्पक्ष जांच की इसमें, परंतु आज हमें जानकारी हुई प्रधान जी के माध्यम से कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। जबकि उनकी जो इंक्वायरी है उससे यहाँ पर्यावरण में हो रहा अवैध माइनिंग, जिसके कारण नदियाँ बिल्कुल खराब हो गई है स्थिति, पुल सारे के सारे टूट रहे हैं, इवन तक जोगों वाले पुल अभी कुछ ही अगर एक दो बारिश और होती है तो टूट जाएगा। जो ये क्रेशर ओनर है उनके दबाव में, उनके द्वारा सरकार पर प्रेशर किया गया है, उसी के कारण इनकी ट्रांसफ़र की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जो निष्पक्ष अधिकारी है हमारे बीबीएन से, उनका तबादला ना किया जाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।